बच्चों, आज जो लेक्चर हम आपके लिए घर से रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिंस, जिसको हम एंटीबॉडी भी कहते हैं, और ये आपके फर्स्ट पेपर के 5वें यूनिट में है। तो जैसा यहाँ लिखा हुआ है, एंटीबॉडी इज अ डिजीज फाइटिंग प्रोटीन डेवलप बाय द बॉडी इन रेस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। मतलब हमारे शरीर में कोई भी पैथोजन आएगा, कोई फॉरेन प्रोटीन आएगा, या जो 5 तरह के एंटीजन हमने बताए हैं उसमें से कोई भी एंटीजन आएगा, तो हमारे शरीर की कोशिकाएं जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, ये एंटीबॉडी बनाएगी, और इस एंटीबॉडी को ही हम इम्यूनोग्लोबुलिंस कहते हैं। अब हम देखें कि हिस्ट्री क्या है, तो इसमें इसकी खोज, इम्यूनोग्लोबुलिन की खोज और इम्यूनोग्लोबुलिन के खोज और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए दो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का नाम मुख्य रूप से है। एक थे कैबट एंड टिसेलियस, जिन्होंने 1939 में ये शो किया कि हमारे जो ब्लड का जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन में कौन से फ्रैक्शन का प्रोटीन है जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनाता है। और दूसरा उसका जो स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था, ये पोर्टर एंड एडरमैन ने किया था, जिनके लिए उनको 1972 में नोबेल प्राइज मिला था। तो हुआ यूं कि किसी भी, जैसे आप किसी भी रैबिट को इम्यूनाइज करेंगे, और इम्यूनाइज करने का मतलब ये होता है कि उसमें अंडे में पाया जाने वाला एक ओवा एल्बुमिन नाम का जो प्रोटीन होता है, वो जब किसी रैबिट को देंगे तो उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो कुछ एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन बनाएगा। तो उसमें हमें ब्लड का, जब हम सीरम लेते हैं और सीरम की जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, तो हमें 4 पीक मिलते हैं। आप देख रहे हो कि एक एल्बुमिन का पीक है, और दूसरा एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा का पीक है। तो जब भी उसको हम इम्यूनाइज करते हैं रैबिट को, तो उसमें आप देखिए कि ये जो गामा वाला पीक है, गामा ग्लोबुलिन का जो पीक है, ये बढ़ जाता है। और फिर हम क्या करते हैं कि उस सीरम में हम ओवा एल्बुमिन डाल देते हैं। तो इससे होता यह है कि चूंकि ये जो ग्लोबुलिन है, ये इसके साथ ओवा एल्बुमिन के साथ प्रेसिपिटेट करके अलग हो जाता है। तो होता यह है कि जब उसको प्रेसिपिटेशन आप करते हो, तो फिर गामा ग्लोबुलिन कम हो जाता है। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह समझ में आता है कि ये जो 3 ग्लोबुलिन बने हैं, के जो पीक बने हैं रक्त के प्रोटीन की इलेक्ट्रोफोरेसिस में, उसमें से एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने वाला जो फ्रैक्शन है वो गामा ग्लोबुलिन का होता है। उसके बाद इस लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट के बाद हुआ ये कि बहुत सारे, जैसे सॉल्युबल प्रोटीन, ये जो सारे के सारे जो गामा ग्लोबुलिन्स हैं, ये आमतौर पर बी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के एक्टिवेट होने के बाद जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं उसके द्वारा साबित किए जाते हैं। और आपको, जैसे मैं पहले बता चुका हूं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, कि प्रत्येक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। तो अब हम ये देखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसे पता चला। तो सबसे पहले परिभाषा देखें कि एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन आर द स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन जो बी लिम्फोसाइट या प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होते हैं, और इनका काम क्या है कि ये दो काम होते हैं बेसिकली एंटीबॉडी के। एक तो ये एंटीजन के साथ जाके बाइंड करता है और उसे, उसके साथ फाइट करता है। तो फाइट कैसे करता है थोड़ी देर में हम देखेंगे। तो हम ये देखें कि एल्डर एंड एडलमैन ने किस प्रकार से खोज की। तो सबसे पहले मैं आपको पहले ही ये बता दूं कि इसकी संरचना जो है कुछ इस प्रकार की होती है, जिसको ढूंढा था एडलमैन ने। तो उसमें होता यह है कि आप ये देख रहे हो कि ये 4 श्रृंखलाओं से बना हुआ ये मॉलिक्यूल है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ये 4 श्रृंखलाओं से बना हुआ मॉलिक्यूल है। एक ये जो चेन आप देख रहे हो, ये पार्ट, ये यहां से यहां तक ये हैवी चेन कहलाता है, और ये कहलाता है लाइट चेन। हैवी क्योंकि ये लंबा है, इसका भार ज्यादा होगा, और आमतौर पर ये वाला जो हैवी चेन है, ये 250 से लेकर के 300-350 एमिनो एसिड की श्रृंखला का बना होता है, जबकि ये जो है 110-120 अमीनो एसिड की श्रृंखला का बना होता है। तो
तो इसमें आप देख रहे हो कि ये जो बीच बीच में कुछ बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं जो पूरी संरचना को स्टेबलाइज करके रखते हैं, और वो बॉन्ड बॉन्ड बनते हैं डाइसल्फाइड, मतलब दो सल्फाइड से मिलकर के डाइसल्फाइड बॉन्ड से होता है। इसमें ये वाला जो साइट है आप देख रहे हो, ये वाला साइट FAB, क्योंकि जब इसको हम फ्रैक्शनाइज करेंगे, डाइजेशन करेंगे, तो ये वाला जो साइड है, चूंकि यहां से एंटीजन की बाइंडिंग होती है, तो फ्रैक्शन AB मतलब फ्रैक्शन एंटीजन बाइंडिंग फ्रैक्शन, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम FC कहते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन जब आप कोल्ड स्टोरेज में रखते हो तो क्रिस्टलाइज हो जाता था, इसीलिए इसको हम फ्रैक्शन C बोलते हैं या FC बोलते हैं। तो अब होता यह है कि जो ये हैवी चेन है, इसके पांच ग्रुप होते हैं, अल्फा, गामा, म्यू, डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक है, म्यू को आप एम कह सकते हैं, डेल्टा को डी कह सकते हैं, एप्सिलॉन को ई कह सकते हैं, अल्फा को ए कह सकते हैं, गामा को जी कह सकते हैं। तो होता यह है कि पांच ग्रुप होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन की, जिसकी हम चर्चा करेंगे। और जो ये लाइट चेन है, लाइट चेन भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का चेन होता है इसको हम कप्पा बोलते हैं, और दूसरा तो प्रकार का जो चेन होता है उसको हम गामा बोलते हैं। तो ये हो गया। ये देखिए एंटीजन, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि जो ये जो अमीनो एसिड अम्ल है, इसका टर्मिनल एंड जो यहां पर है, यहां पर अमीनो ग्रुप होता है और यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, तो इसीलिए इसको हम एमिनो टर्मिनल कहते हैं। ये कार्बोक्सिल टर्मिनल है, ये जो है वेरिएबल साइड है, और ये हम FAB हम चर्चा कर चुके, और ये FC कहलाता है। तो ये बात मैं कर चुका। अब इसमें से ये देखिए आप, एक मैं आपको डायग्राम बताऊं कि जैसे ये पांच ग्रुप एमिनो एसिड इम्यूनोग्लोबिन के हैं, तो पहला वाला ग्रुप है जो क्या लिखा हुआ, IgG, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये गामा है। इसमें आप देख रहे हो कि ये मोनोमर है, मतलब दो हैवी चेन और दो लाइट चेन, ये मोनोमर है। उसी प्रकार से जो IgE होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, वो भी मोनोमर है। जो IgD होता है डेल्टा, ये भी मोनोमर होता है। लेकिन ये जो IgM है म्यू, इसमें आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये पेंटामर है बेसिकली। तो इम्यूनोग्लोबिन एम की संरचना ऐसी होती है कि इसमें पांच मोनोमर्स लगे होते हैं। उसी प्रकार से जो अल्फा है इम्यूनोग्लोबिन ए, इसमें दो मोनोमर्स होते हैं, ये डाइमर होता है, यहां पर ये ज्वाइनिंग चेन है। ठीक है, अब हम वापिस आते हैं वहां पे। तो अब ये देखिए, हाँ, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो ये बताता है कि एल्डर एंड एडलमैन ने कैसे इसको किया। तो ये देखिए, ये जो एमिनो एसिड है इसको पेपेन नाम के एक एंजाइम से डाइजेस्ट किया, तो इसका ये वाला फ्रैक्शन अलग हो गया, यानी कि FAB वाला फ्रैक्शन अलग हो गया और FC वाला फ्रैक्शन अलग हो गया। फिर इन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि मर्केप्टो इथेनॉल से किया, तो इसमें लाइट चेन अलग हो गए और हैवी चेन अलग हो गए। तो ये जो चेन अलग हो गए और फिर उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लिया गया, तो इससे ये हुआ कि इन दोनों चेन्स की जो सीक्वेंसिंग आराम से की जा सकी, उसकी पहचान हो सकी, और ये देखा गया कि किस प्रकार से ये जो एंटीबॉडी है ये एंटीजन से बाइंड करने में समर्थ होते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये वाला, अब इसी को थोड़ा सा दिखाया गया यहाँ पर, ये समझिए कि जो सीधा सीधा चेन हम बना रहे थे वो ये हैवी चेन है और ये लाइट चेन है, और बीच बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये जो रीजन है जिसको हम चूंकि वेरिएबल रीजन कहते हैं, आपको मैंने बताया था कि प्रत्येक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी चाहिए होता है, क्योंकि यहां पर एक अमीनो एसिड के फर्क से यह होगा कि ये किसी एक्स एंटीजन को पहचानेगा, और अगर दूसरा अमीनो एसिड लग जाएगा तो ये किसी दूसरे एंटीजन को पहचानेगा। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमिनिंग रीजन, CDR, यानी कि यह डिटरमिन करता है कि किस एंटीजन से यहां पर बाइंडिंग होगी। अब फंक्शन हम देखें, तो फंक्शन का सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये रिकॉग्नाइज करता है और एंटीजन से बाइंड करता है, या फिर ये किसी बैक्टीरिया को, वायरस को रिमूव करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको किल करता है। तो ये वाला जो चार्ट है ये मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ये वाला PPT।
और इसमें देखिए कि सबसे पहले ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है, इससे क्या हुआ एंटीजन बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स बना, इससे क्या हुआ कि ये जो है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन, बैक्टीरिया का जो एंडोटॉक्सिन है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीनीकरण कर देता है, वो क्या करता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया एंटीजन को एक साथ जाके जमा कर देता है जिससे कि एग्लूटिनेशन या गुच्छा बन जाता है और फिर उसको फैगोसाइटिक सेल आराम से खा सकते हैं। ये प्रेसिपिटेट कर देता है, अगर कोई सॉल्युबल एंटीजन है तो उसको प्रेसिपिटेट करके अलग कर देगा जो बाद में शरीर से हटा दिया जाएगा, या फिर ये एक्टिवेट एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इस प्रकार से ये फैगोसाइटोसिस को, इन्फ्लेमेशन को, सेल की लाइसिस को, इन सबको बढ़ा करके और इन गतिविधियों से क्या होता है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिंस हैं या जो एंटीजन एंटीबॉडी हैं ये हमारे शरीर से एंटीजन को नष्ट करते हैं। अब हम ये देखें कि ये जो पांच क्लास के इम्यूनोग्लोबुलिंस हैं इन पांचों के अलग अलग प्रकार के फंक्शन क्या है, अभी हमने ये डायग्राम आपको बताया था जी ई बी एम और ए। अब देखिए कि एक आई जी जी है, एक आई जी एम है, एक आई जी ए है, इम्यूनोग्लोबुलिन डी है, ई है, इनके फंक्शन क्या है। तो आई जी जी जो होता है मोनोमर है, रक्त में जितने जितना भी जितनी मात्रा भी आई जी की होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन की होती है, उसमें 80% ये होते हैं, ये रक्त में, लिम्फ में, रक्त में पाए जाने वाले लसिका होती है उसमें और इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इनका जो जीवन होता है सीरम में 23 दिन का होता है, 23 डेज का, और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे खास बात इस इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ ये है कि ये जो प्लेसेंटल बैरियर है उसको क्रॉस कर जाता है। आमतौर पर माँ के का जो ब्लड सर्कुलेशन है जो उसके शिशु में जाता है प्लेसेंटा के सर्कुलेशन के थ्रू, तो बहुत सारे पदार्थ उस बैरियर को पार नहीं कर पाते और आईजीजी को छोड़ करके कोई भी ऐसा एंटीबॉडी नहीं है या इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं है जो मां के शरीर में बने और वो प्लेसेंटल बैरियर को पार करके बच्चे तक पहुंच जाए, यानी कि शिशु गर्भस्थ शिशु तक पहुंच जाए। ये प्लेसेंटल ट्रांसफर इसी में होता है। इसका फंक्शन क्या है, ये एग्लूटिनेशन करेगा, फैगोसाइटोसिस को बढ़ाएगा, टॉक्सिंस यानी कि कोई भी जो बैक्टीरिया से जो कोई ऐसा हानिकारक पदार्थ आया उसको न्यूट्रलाइज करता है, वायरस को करता है, ये फीटस को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि इसमें प्लेसेंटल ट्रांसफर होता है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। दूसरा ये स्ट्रक्चर में बता चुका आपको, ये देखिए। फिर आईजीएम के बारे में आपको कहा था कि ये देखिए ये पेंटामर है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 मोनोमर्स लगे हुए हैं और ये 5 मोनोमर का फायदा ये होता है कि रक्त के क्लॉटिंग में, जो अगर मान लीजिए किसी का रक्त समूह ए है और उसको आप बी वाले का ब्लड ग्रुप चढ़ा देंगे तो होता क्या है कि बी वाले का जो ब्लड है उसके सारे आरबीसी की क्लंपिंग हो जाती है, एग्लूटिनेशन हो जाता है, जैसा कि आपने जब क्लास में आप अपना ब्लड ग्रुप चेक कर रहे थे तो आपने देखा था। अब चूंकि इसके 5 आर्म होते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा सेल्स को इन्वॉल्व करके, मतलब ये बहुत इफेक्टिव एग्लूटिनेशन या क्लंपिंग कर सकता है। तो इसका परसेंटेज होता है 5 से 10, आईजीजी का 80% था, ये रक्त में, लिम्फ में, बी सेल के सरफेस पे मोनोमर के रूप में पाए जाते हैं, वो 23 दिन जिंदा रहता था, ये 5 दिन ही रहता है, ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन करता है, प्लेसेंटल ट्रांसफर नहीं होता। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहां पे नोट कीजिए कि जब भी कोई इंफेक्शन होता है, जब भी कोई इंफेक्शन होगा, ये आपका एक नंबर के सवाल में आ सकता है कि जब भी कोई इंफेक्शन होगा, सो दिस आईजीएम इज द फर्स्ट एंटीबॉडी दैट रीचेज टू द साइट ऑफ इंफेक्शन, दैट इज प्रोड्यूस्ड फर्स्ट एंड रीचेज टू द साइट ऑफ इंफेक्शन। तो किसी भी इंफेक्शन के बाद सबसे पहले बनने वाला और इंफेक्शन की साइट पर पहुंचने वाला ये इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है। फिर ये माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया और दूसरे जो बड़े आकार के एंटीजन होते हैं उसके खिलाफ बहुत इफेक्टिव होता है। उसके बाद ये आता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये मोनोमर होता है या डाइमर होता है, आमतौर पर डाइमर होता है लेकिन जब ये किसी सेल से अटैच होता है तो ये मोनोमर होता है, या फिर ये कई बार हमारे शरीर के, देखिए पाया कहाँ का जाता है, पाया जाता है हमारे शरीर के द्रव में, आंसुओं में, लार में,
इंटेस्टाइन में जो म्यूकस की लाइनिंग होती है वहां माँ के दूध में, रक्त में और लिम्फ में पाया जाता है। तो कई बार ये सिक्रेटरी प्रोटीन के रूप में भी रहता है और मतलब आप यूं समझिए कि हमारे शरीर का वजन अगर 60 किलो है तो 60 × 40 यानी कि करीब करीब 2400 मिलीग्राम IgA पर डे हमारे उसमें सिक्रीट होगा। टोटल डेली प्रोडक्शन करीब करीब 30 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट होता है और ये हाफ लाइफ इसका 6 दिन का है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन ये करता नहीं है, प्लेसेंटल ट्रांसफर करता नहीं है, लेकिन जहां जहां जैसे हमारे मान लीजिए श्वास की नलिका है वहां जो म्यूकस की लाइनिंग है, हमारा जो इंटरनल लाइनिंग जहां भी इंटेस्टाइन की है या दूसरे ऑर्गन्स की है वहां ये प्रोडक्शन देता है। वहां पर जो भी अवांछित एंटीजन होंगे, माइक्रोब्स होंगे, पैथोजन होंगे, उनको ये मारेगा। उस ये मैंने पहले बता दिया कि ये डाइमर होता है और IgD ये बहुत ही कम पाए जाते हैं और ये आमतौर पर बी सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं। रक्त में या लिम्फ में इसका हाफ लाइफ भी कम है और इसका फंक्शन बहुत नोन नहीं है, IgD के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। वैसे एक किताब में ये लिखा हुआ है, देखिए मैं बताऊंगा आपको। IgD ये शायद ये इम्यून रिस्पॉन्स के इनिशिएशन का काम करता है, कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आमतौर पर इसका फंक्शन बहुत ज्यादा पता नहीं है। फिर उसके बाद आता है IgE। आप जब भी किसी बदलते मौसम में सर्दी जुकाम से पीड़ित होते हैं, कोई फ्लू का वायरस आ गया, तो आमतौर पर यह है कि जितने भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उन सब के लिए जो जिम्मेदार है वो IgG है। ये आमतौर पर इसका Fc पार्ट है, ये मास्क सेल के ऊपर लग जाता है और जैसे ही कोई एंटीजन आता है तो मास्क सेल को एक्टिवेट कर देता है जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में हिस्टामिन वगैरह निकलते हैं और इसकी वजह से ये एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो एलर्जिक रिएक्शन के लिए अगर आपको एक नंबर का सवाल आ जाए कि एलर्जिक रिएक्शन के लिए कौन सा एंटीबॉडी जिम्मेदार है, तो वो होता है IgE। तो इस प्रकार से हमने सारे एंटीबॉडी के बारे में चर्चा की और ये लेक्चर मैं इसलिए छोटा रख रहा हूँ ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, अन्यथा ज़्यादा बड़ा लेक्चर होगा तो उसको फिर YouTube पे डालना पड़ेगा। तो आप इसको पढ़िए, इससे संबंधित कोई भी आपको क्वेरी हो, जानकारी हो, तो उन जानकारी चाहिए आपको, किसी प्रकार की क्वेरी करनी है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप ग्रुप पे पोस्ट कीजिए और इसको पढ़िए। हो सकता है ये आपके इस साल के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। और ये चूंकि शायद ढंग से अपन नहीं पढ़ पाए थे तो इसलिए पहला टॉपिक मैंने ये लिया है आज। और इसके बाद आपको किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आ रही है अपनी तैयारी में, जूलॉजी के पेपर में, किसी भी पेपर में, तो आप ग्रुप पे लिखिए, मैं उन टॉपिक को डिस्कस करूंगा प्रेफरेबली। थैंक यू वेरी मच।